हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट की है और क्लास वन एंड टू के लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। क्लास वन में हमने बताया है आपको बेसिक टिप्स के बारे में एंड क्लास टू में बताया है आपको बेसिक नॉलेज के बारे में। तो आज हमारी क्लास थ्री है और आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़रूरी बातें आपको बताने वाली हूँ। कि आप सभी केवीएस का इंटरव्यू देने वाले हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको केवीएस के बारे में पता होना चाहिए कि केवीएस में क्या है, कितना मतलब इनके स्कूल्स है, हेडक्वार्टर, इनका लोगो क्या है, इनका केवीएस का सॉन्ग क्या है। तो ये सब आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ मैं आपको केवीएस के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए या किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की एटलीस्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बात आपको पता होनी चाहिए वो यह है कि जो केवीएस का इस्टेब्लिश हुई थी, केवीएस 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी और सबसे पहले इसका नाम था सेंट्रल स्कूल्स, ना कि केवीएस। केवीएस बाद में नाम हुआ है, केवी जो है केंद्रीय विद्यालय बाद में रखा है, पहले था सेंट्रल स्कूल नाम। और ये किस इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपको पता होना चाहिए कि केवीएस आए क्यों, सेंट्रल स्कूल्स क्यों खुले। तो सेंट्रल स्कूल्स इसलिए खुले क्योंकि जो हमारे इंडियन डिफेंस सर्विस, मतलब कि जो आर्मी में है, जो डिफेंस सर्विस में एम्प्लॉयज़ है, तो उनके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो उनकी जो पोस्ट है वो अलग अलग जगह होती है। आप जानते हैं कि उनके ट्रांसफ़र अलग अलग जगह पर होते हैं और बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, एक जगह गए फिर दूसरी जगह गए और उनका पढ़ाई में प्रॉब्लम पड़ी, तो वो चीज़ें उनके लिए खोले गए ताकि बच्चों का पढ़ाई में कोई लॉस ना हो। तो केवीएस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऑल ओवर इंडिया एक कॉमन यूनिफॉर्म पैटर्न है सिलेबस का, हर जगह सेम बुक्स हैं, सेम सिलेबस है। तो बच्चा अगर माइग्रेट भी करता है तो जो इंडियन डिफेंस सर्विस पर्सनल है उन सबको इजीली, उनके बच्चों को इजीली उनको एडमिशन मिल जाता है, प्लस उनकी स्टडी वहीं से कंटिन्यू हो जाती है जहां से उनकी वहां हुई थी। तो इनका एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है ये। और अब बात आती है कि केवीएस में स्कूल्स कितने हैं। केवीएस में स्कूल्स है टोटल 1193, ठीक है, 1193 स्कूल्स हैं पूरी इंडिया में। इसके अलावा 3 स्कूल्स हैं जो कि इंडिया के बाहर है, अब्रॉड में। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कितने स्कूल्स हैं, क्या इसके बाहर भी स्कूल है, इंडिया के बाहर भी कोई स्कूल है, तो 3 स्कूल हैं। तो इंडिया के बाहर जो 3 स्कूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। पहला स्कूल है काठमांडू में, जो कि मतलब नेपाल की राजधानी है, आप जानते होंगे। दूसरा स्कूल है मॉस्को में, मॉस्को किसकी राजधानी है, रशिया की। और तीसरा स्कूल है तेहरान में, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी राजधानी है, कंट्री कौन सी है, ईरान की। तो इनकी कंट्री और इनके कैपिटल में ही ये स्कूल्स हैं, तो 3 स्कूल्स यहीं पर है। इसके अलावा ज़रूरत था आपको जानने की कि केवीएस का लोगो क्या है। तो केवीएस के लोगो जो ये पिक्चर दिखा रखी है, इसमें ये केवीएस का लोगो है जिसमें लिखा हुआ है संस्कृत में तत्त्वम पुषण अपावरणु। आपको इसका मीनिंग सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपका होमवर्क है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि लोगो में 3 एलिमेंट्स हैं, जिसमें एक है राइजिंग सन, दूसरा है ओपन बुक और तीसरा है फ्लाइंग बर्ड्स। तो ये सब रिलेटेड टू एजुकेशनल एक्टिविटी है। और अब बात आती है कि केवीएस का सॉन्ग क्या है। देखिए, केवीएस का अपना एक अलग से उनका विद्यालय का गीत है। तो ये क्वेश्चन एक बार वेस्ट बंगाल में इंटरव्यू हुआ था, उसमें पूछ लिया था कि केवीएस सॉन्ग बताइए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको अगर इंटरव्यू में बैठ रही हो तो केवीएस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो केवीएस सॉन्ग है आपका, 2 लाइन भी आप बता देंगे तो उनको ये हो जाएगा कि आपको नॉलेज है, आपको पता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा रटने की ज़रूरत है, बस 2 लाइन आप याद कर ले, वही केवल इनफ है, बहुत है। तो इस सॉन्ग की 2 लाइन मैं बता देती हूँ। लाइन है, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। तो मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि चाहे वो आपसे पोयम सुन रहे हैं, चाहे वो कोई गीत सुन रहे हैं, तो आपको एक लय में गाना ज़रूरी है, रिदम होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी, मैं अगली वीडियो जब डालने वाली हूँ तो उसमें आपके लेसन प्लान के ऊपर बात करने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस तरीके से आपको लय में गाना है, एक तो होता है कि सिंपल गा दिया। अगर मैं कह रही हूँ कि जैसे
कोई भी अगर पोयम ले लीजिए, 6 साल की छोकरी, एक होता है कि कोई सीधा सीधा गा देता है, लेकिन अगर लय में गाएंगे और विद अक्षर गाएंगे तभी वो इफेक्टिव बनेगा। तो अगर आपसे कोई इस सॉन्ग के बारे में, केवीएस सॉन्ग के बारे में पूछे, तो आपको सीधा ये नहीं कहना है, आपको एक रिदम में गाना है। जैसे आप गा सकते हैं कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्र विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। यहाँ कहने का मतलब है कि एक रिदम होनी चाहिए, ठीक है? तो आपको केवीएस सॉन्ग पता होना चाहिए, केवीएस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि एक बार आप खुद भी केवीएस की साइट पे जाए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्योंकि आप केवीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन केवीएस, आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि केवीएस में क्या क्वालिटीज है जो आप केवीएस को ही ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। तो सबसे पहली बात है कि वी विल गेट रिच एक्सपीरियंसेस बाय वर्किंग इन डिफरेंट स्टेट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवीएस के जॉब में ट्रांसफर होते हैं, कभी एक स्टेट में कभी दूसरे स्टेट में। तो होता क्या है कि भाई वहाँ पे कल्चर भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, उससे क्या होगा कि हमें एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करने पर। दूसरा पॉइंट बताती हूँ, दूसरा पॉइंट है कि हमारी जो टीचिंग स्किल्स है वो हमारी नरिश होगी डे बाय डे, जिससे कि मतलब हम, क्योंकि क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर है उनको हम कैटर करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स हुए, आगे मैं बताती हूँ तीसरा पॉइंट। सो द थर्ड पॉइंट इज, तो आप कैसे कहेंगे कि एज यू नो केवीएस इज नोन फॉर क्वालिटी एजुकेशन, सो वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम आवर सीनियर्स अबाउट डिफरेंट इनोवेशंस डेट कैन बी अप्लाई इन टीचिंग लर्निंग क्लासरूम। तो इसका मतलब है कि केवीएस जो है वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और इसमें क्या होगा कि हमें अपने सीनियर्स से डिफरेंट इनोवेशंस के बारे में जानने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, जिसको हम टीचिंग लर्निंग क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज होता था। पहले ये कहते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब क्या हुआ है कि उल्टा हो गया है इसका। अब शिक्षा में भी हमने प्लेवे मेथड का यूज कर लिया है, कि मतलब कि हम खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया आ गई है। तो ये चीजें जो इनोवेशंस हुए हैं, इन्हीं चीज के बात की है मैंने। नेक्स्ट बात आप कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स लव चेंजेस, इट डू नॉट अलाउ अस टू फेड अप फ्रॉम द सेम रूटीन एज वी गेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इन डिफरेंट स्टेट्स। मतलब है कि भाई जो ह्यूमन बीइंग्स है, हम सबको चेंजेस पसंद है। अगर मैं कहूँ कि आप तो पूरा दिन, हर दिन आप सिर्फ दाल रोटी खाइए, सुबह भी शाम को भी अगले दिन भी डेली आप यही खाइए, तो क्या होगा कि आप फेड अप हो जाएगी कि मोनोटोनस रूटीन है एक। तो इस ऐसी ही बात है कि आप एक जगह वर्क करते करते फेड अप हो सकते हैं, इसलिए केवीएस हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि डिफरेंट स्टेट में हम वर्क करें। तो ये हमें फेड अप नहीं होने देता, जो कि ह्यूमन बींग्स लव चेंजेस को प्यार करते हैं, चाहते हैं कि चेंजेस आए जिंदगी में, तो वो चेंजेस आते हैं केवीएस की बदौलत। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम काम करते हैं, हमें अवसर प्रदान होते हैं और हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। फोर्थ पॉइंट इज, जो कि आप ऐड कर सकते हैं, वो यह है कि केवीएस इज लेबोरेटरी ऑफ सीबीएसई एंड एज वेल एज एनसीईआरटी। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स विच वुड बी इम्प्लीमेंट इन इंडिया, फर्स्टली दे यूज और इम्प्लीमेंट इन केवीएस स्कूल्स। मतलब है कि केवीएस एज यू नो कि सेंट्रल लेवल पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट पर है के स्कूल्स हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा, कोई भी चेंज होगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, तो वो सबसे पहले कहाँ होगा, केवीएस स्कूल्स में होगा। एंड देन वो फर्दर जो आपके स्टेट स्कूल्स है, दूसरा आपका जैसे हमारा दिल्ली के एमसीडी हो गए या हरियाणा के HSSB, मतलब हरियाणा स्कूल हो गए, या किसी भी स्टेट के स्कूल हो गए, तो बाद में वो वहां पर इम्प्लीमेंट होगा। तो मतलब है कि केवीएस ही है जहां पर सबसे पहले नई नई इन्वेंशन है, नई नई एक्सपेरिमेंट्स है, वो अप्लाई होते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं एक एग्जाम्पल दे देती जो चेंज केवीएस ने अप्लाई किया है लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी उस चेंज को अपना ले। तो ऐसा एक प्रोग्राम केवीएस ने जो लॉन्च किया हुआ है वो है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स में ये है, जैसे बच्चा थर्ड से फोर्थ में गया, तो उसको थर्ड का होता ये है कि जैसे ही जनरली हम
क्लासेस पास आउट होके चलते हैं तो पिछली क्लासेस का जो कंटेंट था, सिलेबस था, जो सीखा था हमने, वो भूलते जाते हैं। लेकिन केवीएस ने इसको, हम जो ये लर्निंग गैप्स आते हैं इसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, बैक टू बेसिक्स। तो बैक टू बेसिक्स के अंदर क्या है वो बताती हूँ आपको। तो बैक टू बेसिक्स में यही है कि जैसे आप थर्ड पास आउट होकर के फोर्थ में गए, तो फोर्थ क्लास में टीचर आपका जो प्रीवियस क्लास में आप सीख कर आए हैं उसका एक टेस्ट लेगी, जो अगर आपने अच्छे मतलब कुछ परसेंटेज रखी हुई है, इतने परसेंट अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप ठीक है भाई, आपको मतलब पिछले का दोबारा से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सब भूल गया है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे उस टेस्ट में जो वो पिछले क्लास में पढ़ करके आया है, तो उसमें क्या होगा कि टीचर्स उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेगी और जो उसके लर्निंग गैप्स आए हैं उसको फुलफिल करेंगी। तो ये है आपका बैक टू बेसिक्स। प्लस मैं चाहूंगी कि आप जो मैं पढ़ाती हूँ आप भी उसको क्रॉस चेक जरूर करें। तो एक बार आपको क्या करना है, केवीएस की साइट पर बैक टू बेसिक्स प्रोग्राम के बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड होने से कोई काम नहीं चलेगा, खुद के भी एफर्ट्स लगाएंगे तब बेहतर बात बनेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हैं वो यह है कि केवीएस नॉट ओनली लिमिटेड टू इंटर स्टेट बट इंटरनेशनल ऑल्सो, एज इट रन थ्री स्कूल्स इन डिफरेंट कंट्रीज। और जो मैंने पहले भी बताया है अभी आपको अबाउट केवीएस में कि मॉस्को रशिया में है, तेहरान ईरान में है एंड काठमांडू नेपाल में है, विच इज सो फैसिनेटिंग, सो इट प्रोवाइड्स अस ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज टू। तो ये आप सब, मैं इतने पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ कि कुछ जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे उनमें से, जो भी आपको ये लग रहा है कि मैं, मुझे अगर ये पूछा जाए तो मैं ये पॉइंट ऐड कर सकती हूँ, जो भी आपको पसंद आए उनमें से 3 से 4 पॉइंट आप छाट लेना और उसको ऐड कर लेना अगर आपके इंटरव्यू में ऐसी सिचुएशन आती है कि आप केवीएस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और अगर आपको लग रहा है कि ये पॉइंट मैंने कहीं नेट से उठाया है या किसी बुक से उठाया है, तो ऐसा नहीं है। ये पॉइंट्स मैंने खुद अपना आइडिया जो भी मेरे माइंड में आता गया वो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी आपको पसंद आए वो चीज़ आप यूज़ करना। प्लस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैं ऐसी बातें कहूँ, ऐसा टिप दे दूँ जो आपके इंटरव्यू में स्ट्राइक हो जाए माइंड में और आपका मार्क्स ऑब्टेन करने में वो हेल्पफुल रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो सुनिए। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज केवीएस इज अ वे टू सर्व द नेशन, एज मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स केम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, देयरफॉर वी हेल्प आवर कंट्री बाय गिविंग देम क्वालिटी एजुकेशन। मतलब है कि केवीएस एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं, अपने कंट्री को कुछ योगदान दे सकते हैं अपने देश को। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि केवीएस का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो डिफेंस पर्सनल है, जो डिफेंस बैकग्राउंड के पीपल है, उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, एज उनकी जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल है, कभी कहीं उनकी बदली होती है, कभी कहीं जाना पड़ता है और वो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, तो केवीएस स्कूल अपने ऊपर ये जिम्मेदारी रखता है कि उनके बच्चे पढ़ाई में सफर ना करें, उनको कोई लॉस ना हो, उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस वे में हम केवीएस को क्या कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही पॉइंट मैंने बताया है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज केवीएस इज अ फ्लेक्सिबल बॉडी दैट अडॉप्ट इनोवेशंस फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट लाइक एनजीओस एंड अदर्स। मतलब है कि केवीएस एक फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो ये नहीं है कि केवीएस सिर्फ अपने ही प्रोग्राम्स जो उन्होंने लॉन्च किए हैं वही रन करे केवल। अगर कोई ऐसे संस्थान है या कोई ऐसा एनजीओ है जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में बहुत इफेक्टिव है, तो वो भी केवीएस अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि कुछ एनजीओज है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूंगी, जैसे आधारशिला एनजीओ जो कि न्यू दिल्ली में ही है, और इसके अलावा ऋषि वैली एजुकेशन सेंटर है आंध्र प्रदेश में, और भी ऐसे बहुत से संस्थान हैं जैसे गौतम बुद्ध सेवा संस्थान जिसका हेड ऑफिस पटना में है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मल्टी लेवल टीचिंग और मल्टी ग्रेड टीचिंग के ऊपर, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं। तो मैंने यही कहा है कि जो केवीएस है वो बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी है, जहाँ से कोई अच्छी चीज़ें है तो वो अडॉप्ट कर लेती है। तो यही हमारा पॉइंट है। जितने भी कैंडिडेट्स केवीएस के इंटरव्यू में अपियर होने वाले हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं।
और इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जैसे हमारे इंटरव्यू होते हैं वो कुछ शिफ्ट में होते हैं, जैसे पीआरटी म्यूजिक का आपने देखा होगा कि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक चलेगा, तो 3 शिफ्ट में उनका इंटरव्यू है। तो इसी तरीके से जो हमारा पीआरटी का होने वाला है वो भी पिछली बार भी 4 से 5 शिफ्ट में हुआ था, तो हो सकता है कि इस बार भी 4 से 5 शिफ्ट में हो। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि जिनका इंटरव्यू पहले हो जाता है वो बच्चे अपना जो एक्सपीरियंस उनका है, जो क्वेश्चंस पूछे गए वो अपना ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिससे जिन बच्चों का भी नहीं हुआ उनको बेनिफिट मिलता है, उनको पता चल जाता है कि किस टाइप का इंटरव्यू हो रहा है, कौन सी लैंग्वेज में हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है। तो आपका जो व्हाट्सएप का हमारा लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आपको जो हमारी केवीएस की प्रीवियस वीडियोज़ हैं क्लास 1 एंड 2 उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। और यहाँ पर हमारी क्लास 3 की वीडियो खत्म होती है और क्लास 4 की वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो पीआरटी म्यूजिक एंड लाइब्रेरियन के कैंडिडेट्स हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं यही चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी आपको सारी वीडियोस मिले जिसका बेनिफिट आपको इंटरव्यू में मिल सके। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियोस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप चैनल को जरूर देखते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो देखिए आपने, इसके लिए धन्यवाद।